हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तो मैं आपको देता रहता हूँ न्यू न्यू अपडेट। वैसे ही दोस्तों, जो आज बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बारे में। क्योंकि आजकल मार्केट में देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आए दिन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, अब तक जो देखते थे अपन वो देखते थे ब्लू स्मार्ट की गाड़ियाँ। तो दोस्तों, अपने जो NCR में सबसे ज़्यादा जो कंपनी चल रही है वो है ओला उबर की। तो दोस्तों, उसी में उबर कंपनी जो है उसने भी टाटा वालों से 25,000 गाड़ियाँ इस वक्त ले चुका है और वो मार्केट में धीरे धीरे आती जा रही है दोस्तों। तो जो लीज़ वाली बात करें दोस्तों, क्योंकि मैं लीज़ वाली बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि मेरे साथ कई लोगों ने ये कमेंट किया है और कई लोगों ने मेरे से मतलब पूछा है कि भैया कोई रेंट पर गाड़ी दिलवा दो या मेरे जॉब पर सैलरी पर, मतलब कई लोगों ने ऐसे बोला है। तो मैं उस चीज़ के लिए यही सब चीज़ों ये जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि दोस्तों लीज पर जो ऊबर कंपनी है वो लीज पर गाड़ियाँ दे रहा है दोस्तों। तो एवरेस्ट फ्लीट करके जो एक कंपनी है उसके ज़रिए से ड्राइवरों तक ये गाड़ियाँ पहुँच रही हैं दोस्तों। ऊबर की ही एक कंपनी है दोस्तों, उसके ज़रिए ये गाड़ियाँ ड्राइवरों तक पहुँच रही हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपको नई नई जानकारियाँ आए दिन मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जो बात करने जा रहे थे वो बात कर रहे हैं अपन लीज़ वाली गाड़ियों की दोस्तों। तो लीज़ पर गाड़ियों की क्या है कि अपन को ये जो EV गाड़ी है ये सबसे बेस्ट है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि मेरे भाई जो रेंट पर गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, जो कि उनके पास बजट नहीं है गाड़ियों। कई मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कि अभी इधर उधर जॉब कर रहे हैं और वो लोगों के भी मेरे पास मतलब पूछने के लिए फ़ोन वोन आ जाते हैं कभी कभी कि भैया ओला उबर में मैं गाड़ी ले लूँ तो कैसा रहेगा भैया। तो आजकल आप देख रहे होंगे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और वो लोगों का क्या है कि उनके पास जो जॉब कर रहे हैं फिलहाल में पिछली, तो उनके पास बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत तो होगा, तो वो लोग गाड़ियाँ लेने की सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि वो लोग अपनी ही गाड़ी लें। जिसके पास बजट है दोस्तों वो अपनी ही गाड़ी लें और अपनी गाड़ी लेकर अपने आप ही काम करें। क्योंकि जो ये लीज पर गाड़ी देंगे उसमें दोस्तों दो कंडीशन है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से और एक डेली बेसिस के हिसाब से। जैसे कि डेली में आपको 1400 रुपये एक दिन का देना होगा, बाद बाकी आप काम करें, और परसेंटेज के हिसाब से 35% आपका, 65% ऊबर का। तो इस तरीके से तो आप 65% भी ऊबर को क्यों दोगे। तो अगर किसी अपने पास पैसा है, बजट है, तो दोस्तों आप अपनी ही गाड़ी लें। और मैं दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ तो वो है जिसके पास बजट नहीं है और टैक्सी लाइन में मेरे भाई आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जिसके पास बजट नहीं है तो वो लोग इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो एड्रेस है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव में सेक्टर 49, ये ओमैक्स मॉल है उसके बेसमेंट में इसका ऑफिस है, वहाँ जाकर आप ये गाड़ी ले सकते हैं। वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाइए और जो भी है जितने भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो सब चीज़ डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए और आपको गाड़ी वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना, ना आपको गाड़ी लेने के लिए पैसे जमा करने, ना ही इसमें आपको कोई स्टार्टिंग में सिक्योरिटी जमा करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल में। अभी जो मेरी जहाँ तक की जानकारी है, मेरे को जो अपडेट मिल रहे हैं वो उसके ज़रिए से ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ID वगैरह अपनी ये सब चीज़ें लेके जानी है और कुछ नहीं, 0 अमाउंट पर आपको गाड़ी मिल रही है दोस्तों। जिस पर बजट नहीं है उसके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। तो दोस्तों, इसके मैं बारे में आपको बता दूँ कि जो आप रेंट पर गाड़ी ले लेते हैं लोग, उस गाड़ी को आप अपने घर ले जा सकते हो, इस गाड़ी को आप अपने घर नहीं ले जा सकते दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, उस गाड़ी को आप अपने मेंटेनेंस वगैरह जो भी है सब कुछ आपका होता है, लेकिन इस गाड़ी में क्या है दोस्तों, सारा कुछ कंपनी का है। जो भी गाड़ी में खराबी होती है या कुछ भी है, और CNG वगैरह रेंट वाली गाड़ियों में सब आपका होता है, और इसमें क्या है कि दोस्तों CNG वगैरह डलती नहीं है, बैटरी चार्ज भी नहीं। तो दोस्तों, आप सुबह को आप गाड़ी लेकर आएंगे और शाम को आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी जहाँ से आप गाड़ी को उठा रहे हैं, तो आपको रात में गाड़ी फुल चार्ज होके मिलेगी और साफ सफाई करके मिलेगी, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के एकदम मस्त होके। और गाड़ियाँ फिलहाल में नई हैं, अच्छी हैं, आपके ऊपर है, आप जितना भी काम कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, उतना ही बेनिफिट है आपको इन गाड़ियों में। फिलहाल में
आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक आपका बजट नहीं बन रहा आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या है कि आपका बजट बन जाए तो आप अपनी ही गाड़ी लेकर चलाएं, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी आपको कि दोस्तों किसी किसी के पास बजट नहीं, हर किसी के पास भैया बजट नहीं है फिलहाल में, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो जिसके पास बजट है दोस्तों वो अपनी ही गाड़ी लें, और जिसके पास बजट नहीं है तो दोस्तों आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ईवी गाड़ियाँ जो चल रही हैं फिलहाल में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो मेरा जो संदेश है आप लोगों तक पहुंचाने का वो दोस्तों यही है कि बेस्ट रहेगा जिनके लिए, जिनके पास बजट नहीं है दोस्तों। और इसमें एक और है कि आपको कोई भी टेंशन नहीं, इसमें आपकी अपनी गाड़ी होगी तो आपको टेंशन रहती है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, आप जी जान से काम कर सकते हैं, मेहनत अच्छे से करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों गाड़ी की साफ सफाई भी नहीं करनी आपको जब आप सुबह पहुंचोगे जहाँ से भी, इसमें यही दिक्कत है बस कि आपको सुबह जहाँ से गाड़ी उठा रहे हो शाम को वहीं पर आपको खड़ी करनी होगी दोस्तों, आप इस गाड़ी को अपने घर नहीं ले जा सकते। और जो है कि जो काम है काम के लिए ही आपको यह गाड़ी मिलेगी, अदर किसी के लिए नहीं। दोस्तों बने रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ, तो मैं आपको देता रहता हूँ न्यू अपडेट। वैसे ही दोस्तों अभी के लिए राम राम, आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा।